हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है और उससे पहले धनतेरस आती है। दोस्तों, अब की बार धनतेरस 23 अक्टूबर 2022 को रविवार के दिन है। दोस्तों, यह त्यौहार हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन से ही दिवाली की शुरुआत मानी जाती है। धनतेरस का दिन माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए अच्छा माना जाता है। धनतेरस का त्यौहार दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान धन्वंतरि व भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया है। इस दिन लोग बहुत सी चीज़ों को खरीदते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि धनतेरस के दिन किन किन चीज़ों को खरीदना चाहिए या ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो और मां लक्ष्मी का हमेशा आपके घर में वास रहे। दोस्तों, धनतेरस के दिन सोना खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। आप इस दिन सोने से बनी चीज़ें खरीद सकते हैं। इस दिन आप सोना, चांदी और पीतल से बनी चीज़ों को खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं, क्योंकि इस दिन खरीदना इन्हें ही काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों, अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन ज्वेलरी खरीदना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन सोने चांदी से बनी ज्वेलरी आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस दिन बर्तनों की भी खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, बर्तनों को खरीदना शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। सोना चांदी को भगवान धन्वंतरि पर अर्पित करते हैं तो धन संपदा में बढ़ोतरी होती है। अगर हो सके तो इन चीज़ों को अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर खरीदें। दोस्तों, इस दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है क्योंकि घर में झाड़ू लगाने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, इस दिन झाड़ू खरीदना इसलिए शुभ माना जाता है ताकि घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहे। इस दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए क्योंकि इसका संबंध मां लक्ष्मी से होता है, इसलिए इसको खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर और धन्वंतरि जी की मूर्ति या चित्र खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए आप धनतेरस के दिन इनकी मूर्ति या चित्र जरूर खरीदें ताकि आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि धनतेरस के दिन बच्चों के लिए खिलौने खरीदना काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि बच्चे अगर घर में खुश रहेंगे तो घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहेगी। इसलिए बच्चों के लिए आप धनतेरस के दिन खिलौने ज़रूर खरीदें ताकि घर में खुशियां बनी रहे। दोस्तों, धनतेरस के दिन खिलौने और बताशे ज़रूर खरीदने चाहिए और प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पित करने चाहिए और स्वयं भी इसका भोग करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप इसे ज़रूर खरीदें। दोस्तों, धनतेरस के दिन सूखे धनिए का बीज भी खरीद कर रखना अच्छा और शुभ माना जाता है। बाद में इस बीज का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, गांव में आज भी किसान अपने खेतों में इस बीज को बोते हैं। आप इसे अपने गमले या बगीचे में इसे बो सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस बीज को इस दिन ज़रूर खरीदें। आप इसे प्रसाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन एक बड़ा दिया जलाकर घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं। इस दिन यह करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है और मां लक्ष्मी का वास हमेशा घर में बना रहता है और घर में खुशहाली बनी रहती है, इसलिए आप इस दिन एक बड़ा दिया घर के द्वार पर जरूर जलाएं। धनतेरस के दिन धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियों को भी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए आप इस दिन कौड़ियों को खरीद कर अपने सुख समृद्धि और धन संपदा से परिपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, इस दिन नमक खरीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। आप जो नमक खरीदते हैं उसे अगले 3-4 दिनों तक जरूर यूज करें क्योंकि दिवाली के इन दिनों में इस दिन खरीदा गया नमक का यूज करना काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन नए कपड़ों को भी खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए आप इस दिन नए कपड़ों को खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप धनतेरस के दिन खरीद कर सुख समृद्धि पा सकते हैं और घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहेगी।
तो दोस्तों इस धनतेरस एवं दीपावली अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ खुशी से मनाइए और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।